महाराष्ट्र की सियासत में एक साथ कई चीजें चल रही हैं। उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी सब कुछ छोड़कर आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बचाव में लगी है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के घर में एक नया खटराग शुरू हो गया है। लेकिन इस बार फ्रंट पर अजीत पवार नहीं, उनके बेटे पार्थ पवार हैं। कुछ दिनों पहले जब वे गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख से मिले थे तो लगा कि पार्थ अभी अनुभवहीन हैं। अनिल देशमुख से मिलकर पार्थ ने सुशांत मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी, मतलब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को मुंह चढ़ाना था, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी इस मामले से सीबीआई को दूर रखना चाहती है। खैर, तब पार्थ की बात अनिल देशमुख ने नहीं सुनी, लेकिन नीतीश कुमार की वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। पार्थ की ये इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पार्थ पवार ने राम मंदिर भूमि पूजन के दिन जय श्री राम का नारा बुलंद किया। एनसीपी में इस बात से खलबली मच गई, तो नवाब मलिक ने कहा कि पार्थ अभी तरुण है। लेकिन क्या सच में पार्थ तरुण है, या फिर वे अपने कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं? अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, दोनों ने मिलकर सरकार तक बना डाली थी, लेकिन तब उनका खेल बिगड़ गया। लेकिन लगता तो ये है कि उद्धव की कमजोर नस हाथ में आते ही अजीत पवार के अरमान फिर से जाग गए, और इसी वजह से पार्थ पवार ने जय श्री राम का नारा लगाया, और फिर राम मंदिर निर्माण के लिए शुभकामना पत्र लिखने के बाद सुप्रिया सुले को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये पार्थ की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। मंदिर भूमि पूजन के दिन पार्थ पवार ने ट्विटर पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए राम मंदिर निर्माण की शुभकामना देने के लिए एक पत्र लिखा था, और इस बारे में जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पार्थ की निजी भूमिका है। लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह हुक्मशाही की इतनी आदत पड़ गई है कि लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता भूल गए हैं। इससे पहले पार्थ पवार ने एनसीपी से अलग रुख अख्तियार करते हुए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके लिए वे राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर मामले की सीबीआई जांच कराने का पत्र सौंपा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।